और मुंबई से, बेंगलोर से, चेन्नई से दूरस्थ स्थान है। अकेले लुधियाना में 7 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर हैं, जबकि पूरे पंजाब में 10 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक फंसे हुए हैं। राज्य सरकार के मुताबिक पंजाब में लगभग 70% मजदूर बिहार से हैं और इसीलिए ट्रेन की मांग की जा रही है। प्रवासी मजदूरों को वापस लाने को लेकर राजस्थान सरकार भी ट्रेन चलाने की मांग कर रही है। हालांकि राजस्थान सरकार ने अपने यहां फंसे मजदूरों को हरियाणा और मध्य प्रदेश भेजना शुरू कर दिया है। खाजूवाला से 111 मजदूरों को हरियाणा और 38 मजदूरों को मध्य प्रदेश भेजा जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में फंसे उत्तर प्रदेश में लोगों की घर वापसी शुरू हो गई है। कल मध्य प्रदेश से 3000 लोग यूपी लौट गए। यूपी सरकार ने मध्य प्रदेश में 40 बस भेजी हैं। यूपी सरकार अगले चरण में बसों को गुजरात भेजेगी। गुजरात सरकार डेटाबेस तैयार कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज्य सरकार ने कहा है कि लोगों को अपने राज्य में वापस लेने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन वापस आने वाले लोगों की मेडिकल जांच होनी चाहिए। हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। चरणबद्ध रूप से इस व्यवस्था को किया जा रहा है। घर वापसी की कवायद के बीच गुजरात के सूरत में बहुत से मजदूर परेशान दिखे। बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि अपने घर जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए 4 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। ये नंबर महाराष्ट्र डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के तहत काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नो सिग्नल नो वरी प्रेजेंटिंग Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion available on Google Play and App Store. Download it now.